दोस्तों, गार्डनिंग एक ऐसा काम है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ बना ही रहता है करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं विजया आज बताऊंगी विजयास क्रिएटिव गार्डन में कि वो कौन कौन से ज़रूरी काम है गार्डनिंग से संबंधित जो कि हमें अप्रैल में कर लेने चाहिए। सबसे पहला और ज़रूरी काम है कि अब आप उतने ही प्लांट्स रखो जितने प्लांट्स की अच्छी तरीके से केयर कर सको, क्योंकि अब लगभग पूरी इंडिया में जो गर्मी है तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हर प्लांट को पानी देना, तेज सनलाइट से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पर इसकी प्रॉपर व्यवस्था है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आप खुद समझदार हो कि कितने प्लांट्स की आप केयर कर सकते हो। सेकेंड है फ्रेंड्स, सर्दी वाले जो प्लांट्स हैं उनमें से कुछ तो सूख रहे होंगे या सूख गए होंगे, तो आप उनको हटा दीजिए और गमलों को खाली कर दीजिए। ये गमले जो हैं आपके अभी भी बहुत काम के हैं। इन गमलों को आप जो है एज अ कवर पॉट के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसमें जो है अंदर जो प्लांट लगा हुआ जो गमला है इसके अंदर, खाली गमले के अंदर रख दीजिए। इससे क्या होगा, धूप की जो किरणें हैं, सन की किरणें हैं, वो बाहर वाले गमले में पड़ेंगी और अंदर वाला गमला आपका ठंडा बना रहेगा, जिससे कि पानी की ज़रूरत भी कम होगी। थर्ड फ्रेंड्स, मल्चिंग ज़रूर करें, हर प्लांट की करें, हर चाहे गमले में लगा हो या फिर ज़मीन में। मल्चिंग को साधारण भाषा में हम कहेंगे कि प्लांट के जो आसपास का जो एरिया है उसे किसी भी चीज़ से कवर कर देना, चाहे वो कंपोस्ट खाद हो, दफ्ती के पीसेस हो, चाय की पत्ती हो, स्टोन हो या फिर सूखी पत्तियाँ। इससे जो मल्चिंग कर देने से क्या होता है, सन की जो किरणें होती हैं वो सीधी मिट्टी में नहीं पड़ती हैं और मिट्टी जो है ठंडी बनी रहती है। फोर्थ फ्रेंड्स, कुछ आप इस तरीके की प्लास्टिक की जो वेस्ट बॉटल्स हैं या फिर बॉक्सेस हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। उनका जो नीचे का साइड है उसको खुला छोड़ दीजिए और उसको मिट्टी में दबा दीजिए। और अगर आपको 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है तो प्लांट्स को पानी देने के लिए आप इन्हीं बॉटल्स में भर दीजिए, थोड़ा बहुत पानी जो है प्लांट्स खींचते रहेंगे आपके। फिफ्थ फ्रेंड्स, कोलियस या फिर कोई भी नाजुक वाला जो प्लांट है, अगर आप उसको गर्मियों में बचाना चाहते हो तो किसी शेडी जगह पर शिफ्ट कर दो या फिर कई प्लांट्स के बीच में उसको छिपा दो, इससे बचा रहेगा। इवन जो कैक्टस है उसको भी अब पानी देना शुरू करिए, एटलीस्ट दिन में एक बार, भले ही थोड़ा थोड़ा देना हो। सकुलेंट्स की भी जो है जगह चेंज कर दीजिए, इसको आप फुल सनलाइट में मत रखिए, सबके कलर्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे और कुछ हो सकता है उसमें से मर भी जाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जगह उनकी चेंज कर दीजिए। सिक्स्थ फ्रेंड्स, कंपोस्टिंग करिए। इस समय जो है अब मौसम गर्म हो रहा है, कंपोस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है इसको। इवन जो पत्तियों की खाद बनाई जाती है वो भी बन जाती है इस समय बहुत आसानी से। ये पत्तियां जो हैं बहुत, मतलब ये खाद होती है बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसकी तासीर जो है वो ठंडी रहती है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो सिंपल एक गमले में लेकर के सारी सूखी पत्तियाँ भर दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, कुछ समय बाद अपने आप ही सब डिकम्पोज हो जाएंगे, बस हल्का सा मॉइस्चर बनाए रखना। सेवन फ्रेंड्स, पेरेनियल प्लांट्स को जो है उस जो भी गमले में लगा रहता है उसमें जो है ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हटा दीजिएगा 2-3 इंच और उसके ऊपर फिर खाद वगैरह डाल दीजिए, क्योंकि अब जो आगे आने वाले 2 महीने हैं उसमें हम लोग ज़्यादा खाद वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, स्पेशली गोबर खाद वगैरह का, क्योंकि वो गर्म होती है। तो इस समय ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देती रहेगी। और हाँ, आप केमिकल फर्टिलाइज़र से बिल्कुल दूर रहना गर्मी में, ज़्यादा रिस्क मत लेना जब तक एक्सपीरियंस ना हो अच्छे से। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है कुछ सब्जियाँ भी लगा सकते हो, जैसे ये मेरा पेपर लगा हुआ है, जैसे शिमला मिर्च आप लगा लो, और भी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लगाया है। ये देखिए करेला मेरा लगा है, इतना बड़ा हो रहा है। ये इधर देखिए लौकी लगा रखी है, ये भी काफ़ी बड़ी हो रही है, धीरे धीरे भी और ग्रोथ होगी इसकी। और एक साइड मैंने और लगा रखा है, ये लगी है मेरी तरोई। तो इस तरीके से थोड़े बहुत सब्जियां अगर रख सकते हो तो एक आध जरूर लगाओ। और ये देखिए मैंने
अमरंथस की सीडलिंग करी थी। मैं आप लोग को बताती हूँ, आउट इंडोर करने के लिए मैंने तो ऐसे ही अपने टेरेस में कर ली थी, बस कवर कर दिया था, और इसमें छेद है तो वेंटिलेशन बना रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पेस्टिसाइड भी ज़रूर रेडी करिए, कोई भी पेस्टिसाइड जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल है। ये मेरे पास नीम ऑयल का काफ़ी पुराना है, एक साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ, हमेशा नहीं, तो ये अभी तक चल रहा है। इसलिए एक पेस्टिसाइड हैंडी रखिएगा, जब हमने एक होममेड पेस्टिसाइड का वीडियो बनाया है उसको भी यूज़ कर सकते हो, ताकि जैसे ही कोई पेस्ट दिखे तुरंत डाल दो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।